स्पीकर सर, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है, हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है। नमस्कार दोस्तों, जनसभा न्यूज में आपका स्वागत है। आज चला है 13 अगस्त, फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार विरोध। वहीं देखा जाए मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री के जाते ही इस्तीफे का दौर शुरू, बताएंगे इसके बारे में। कांग्रेस में शामिल हुए 3 बड़े नेता जाने वाले, इसके बारे में। एक और बड़ी खबर नू से निकल के आ रही है, दूरदर्शन न्यूज टीवी पर हुआ FIR, लगातार नू हिंसा पर गलत जानकारी दी जा रही थी, लगातार हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा रही, बताएंगे इसके बारे में। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, मोनू मानेसर की गिरफ्तारी को लेकर हरियाणा में किसानों ने उठाई है मांग, जाने इसके बारे में। वहीं एक और बड़ी खबर, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं केरला के वायनाड में, 2 दिवसीय दौरा रहने वाला है और आदिवासियों के साथ करने वाले हैं मुलाकात। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, अधीर रंजन चौधरी भले ही संसद से सस्पेंड हो चुके हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं, केंद्र सरकार की बढ़ सकती है मुश्किलें। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, बीजेपी नेताओं का कहना है कि मणिपुर में हालात तभी सही होंगे जब सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, ज्ञानवापी परिसर को लेकर फिर से हिंदू साक्ष्य मिलने के कुछ आशंकाएं जताई जा रही हैं। 17 अगस्त को होने वाली है बड़ी सुनवाई, जाने के बारे में। एक और बड़ी खबर, दिल्ली सेवा अधिनियम पर जल्द राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मिल सकती है मंजूरी। वहीं ब्रिजभूषण के खिलाफ फिर से मुसीबत बढ़ने वाली है, दिल्ली पुलिस ने बताया कि आगे कार्रवाई बढ़ सकती है। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जी हां, पाकिस्तान से बड़ी खबर है, अनवर उल हक करार नहीं बन सकते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, लगा है करारा झटका, जाने के बारे में। क्यों नहीं बन सकते, अब देखा जाए। जहां शहबाज के ऊपर एक बड़ी मुसीबत आ पड़ी है, सारी खबरें जानने वाले के करके विस्तार से, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएगा, देश दुनिया की फटाफट बड़ी अपडेट पाने के लिए। दरअसल चलते हैं, पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, चुनावी राज्य यानी कि मध्य प्रदेश में फिर से प्रधानमंत्री का दौरा रहा और यहां पर जनजाति समाज और गौरवशाली इतिहास को अमर करने के लिए एक म्यूजियम को खासकर उद्घाटन किया गया, यानी कि उसके भूमि पूजन किया गया है। और देखा जाए ये भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर किया गया, लेकिन इस बीच देखा जाए प्रधानमंत्री ने खास तौर पर चुनावी दांव भी खेला है। देखा जाए दलितों और पिछड़े वर्ग को साधने के लिए प्रधानमंत्री जमकर जुमले फेंके, लेकिन इस बीच देखा जाए प्रधानमंत्री का जमकर विरोध हुआ, क्योंकि आदिवासियों के साथ जो कुछ बीजेपी के नेता मंत्री आज तक किए हैं उसे जनता नहीं भूल पाई, और ना ही भ्रष्टाचार और ना ही उनके द्वारा किए गए तमाम घोटालों को। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये रही कि प्रधानमंत्री के पहुँचने से पहले ही जमकर इस्तीफे शुरू हो गए हैं मध्य प्रदेश में। जी आप सही सुन रहे हैं, मध्य प्रदेश में इस्तीफों का दौर शुरू हुआ है। आपको बताया चले कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस और बीजेपी हमलावर है, और देखा जाए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर में ही सेधमारी शुरू हो चुकी है। भोपाल में कमलनाथ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को करारा झटका दिया है। कट्टर सिंधिया समर्थक माने जाने वाले रघुराज सिंह धाकड़ ने बीजेपी का दामन छोड़कर अब कांग्रेस का दामन थाम लिया है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, निराय दीजिएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, नू हिंसा को लेकर सुदर्शन टीवी के ऊपर हुआ है कड़ा एक्शन। नू हिंसा पर लगातार गलत खबरें फैलाई जा रही थी, देखा जाए तो कहीं ना कहीं से एक राजनीति की जा रही थी हिंदू मुस्लिम वाली, और कड़ा एक्शन हो चुका है। गुरुग्राम पुलिस ने शुक्रवार को सुदर्शन टीवी के संस्थापक यानी मुकेश कुमार को नू हिंसा के संबंध में कथित तौर पर भ्रमक और झूठी खबरें फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार कथित तौर पर 8 अगस्त को ट्विटर हैंडल मुकेश करदर ने ट्वीट कर पोस्ट किया था जिसमें आधारहीन और भ्रमक खबरें थी, और इन्हीं सब के आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। मीडिया कर्मियों के खिलाफ IT एक्ट IPC की निम्न धाराओं पर मामला दर्ज किया गया है। हरियाणा पुलिस ने एक प्रेस विज्ञापन में कहा कि गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले पर संज्ञान लिया और साइबर पुलिस स्टेशन पूर्व IT अधिनियम के धारा 66 और IPC धारा 153 बी में मानहानि होने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। और यहां पर देखा जाए सबसे बड़ी बात यह कि 469 प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और समाज में खासतौर पर हिंसा भड़काने की एक साजिश रचने में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। धारा 501 भी लगाई गई है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, और यहाँ पर बीजेपी की कहीं ना कहीं एक राजनीति रही है जिस तरह से लगातार मीडिया कर्मियों द्वारा देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, और नू में जो हिंसा हुई इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका आपको लगता है, अपनी राय दीजिएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, जी हाँ बड़ी अपडेट निकल के आ रही, ममता बनर्जी का बयान निकल के आ रहा है। ममता बनर्जी ने सरकार के विधेयक को लेकर खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश की गई है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा में
मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्तियों के संबंधित विधेयक पेश किए गए। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति इसका चयन करेगी। इस समिति में एक कैबिनेट मंत्री और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष होने वाले हैं। वही प्रधान न्यायाधीश को इसमें जगह नहीं मिली है। ममता बनर्जी ने इस विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा अराजकता फैलाने में कोई मौका नहीं छोड़ती है। उन्होंने कहा कि टीएमसी सुप्रीमो यानी कि ममता बनर्जी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा यानी कि ट्विटर पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी सीजीआई की भूमिका अहम होने वाली है। और उन्होंने कहा बिना सीजीआई की भूमिका के बिना ये सदस्यीय कमेटी आगे चल नहीं पाती। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री को की जा रही है। लेकिन वहीं प्रधानमंत्री देखा जाए अराजक तत्व फैलाने में पीछे नहीं हट रहे थे। इन सब को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है। मेन बात यहाँ पर यह कि जो विधेयक पेश होने वाले हैं मुख्य निर्वाचन और निर्वाचन आयोग को लेकर उसके खिलाफ ये याचिका दायर की गई है। चलेंगे एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, मोनू मानेसर की गिरफ्तारी को लेकर हरियाणा में किसानों की मांग हुई है तेज। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मालूम होगा कि आपको हरियाणा के नूजले में सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी और काफी ज्यादा नुकसान हुआ और इसमें 6 लोगों की मौत, 88 लोग घायल भी हुए थे। और देखा जाए हालांकि संदर्भ में स्थानीय किसानों और संघों और पुलिस पंचायतों की मांग के बाद बजरंग दल और मोनू मानेसर की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। मुस्लिम बहुलक नूजले में 31 जुलाई को सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी जिसमें 6 लोग मारे गए थे। हिंदू विश्व परिषद की रैली के बीच ये खासकर जो विवाद हुआ था और मरने वालों की संख्या में 2 होमगार्ड भी शामिल थे और एक उसमें खासतौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मस्जिद का इमाम भी शामिल था। और इस साल के शुरुआत में ही लगातार दंगे शुरू हैं। इससे पहले आपने देखा था कि रामनवमी के अवसर पर दंगे हुए थे और इस बीच अब देखा जाए तो खासतौर पर जल अभिषेक की यात्रा में भी जमकर हंगामे हो रहे हैं। और अब तक इसमें देखा जाए 305 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं देखा जाए नू हिंसा में सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों ने भी अब रैली पंचायत करना शुरू कर दिया है और यहाँ पर मुस्लिमों का एक तरफ से साथ दिया जा रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि मोनू मानेसर जो खासकर देखा जाए जुनैद और नसीर का हत्यारा है उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है और इसमें कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार पूरी तरह से फेल रही है। इन सब को लेकर बड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है और मोनू मानेसर की गिरफ्तारी को लेकर भी लगातार आवाज़ उठाई जा रही है। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, केरला पहुंच चुके हैं राहुल गांधी, वायनाड के दौरे पर हैं, 2 दिवसीय दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सांसदी बहाल होने के बाद पहली बार केरला पहुंचे हैं और यहाँ पर 12 से 13 अगस्त तक रहेंगे और वे कुछ देखा जाए जनसभा भी करने वाले हैं। और राहुल गांधी इस बार खासकर आदिवासी समुदाय से भी मुलाकात करने वाले हैं, उनके साथ खासकर डांस भी करते नजर आए हैं। अब देखा जाए कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी के दौरे की जानकारी खुद ही दी। उन्होंने बताया था कि वायनाड के लोगों को खुश करने के लिए और लोकतंत्र की जीत की बधाई देने के लिए राहुल गांधी वायनाड गए हुए हैं। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि वायनाड में उपचुनाव कराने की तैयारी बन रही थी लेकिन लोकसभा की सदस्यता बहाल होने के बाद इस पर विराम लग चुका है। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, जी हाँ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बताया चलें कि अधीर रंजन चौधरी भले ही संसद से सस्पेंड हो चुका हूँ लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचने को तैयार हो चुका है। कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से निलंबित कर दिया गया है, ये बात सभी को पता है। उनके निलंबन के खिलाफ प्रस्ताव को लोकसभा के मानसून सत्र के दौरान ध्वनि मत से पारित किया गया। अधीर रंजन के निलंबन होने के बाद खास तौर पर यहाँ पर यह बात निकल के आ रही है कि लोकसभा में मानसून सत्र के तीसरे दिन विपक्षी इंडिया गुट के सांसदों ने हंगामा मचाया और सदन में वॉकआउट किया। निलंबन के विरोध में सांसदों ने संसद के अंदर डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति तक विरोध मार्च किया। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधीर रंजन चौधरी ने अपने निलंबन पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो हम इन सब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों ने सवाल किया, जवाब देते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा एक नई घटना है जिसमें हमें संसद में अपने करियर में पहली बार अनुभव किया है, या विपक्ष की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही, सत्तारूढ़ दल की तरफ से जानबूझकर ये योजनाएं लाई जा रही हैं या संसदीय लोकतंत्र की भावनाओं को कमज़ोर कर रही हैं, ये तमाम बातें निकल के आई। दरअसल आप देख रहे होंगे कि जब से राहुल गांधी की पहले नंबर तो उनका सदस्यता खोए थे उसके बाद लगातार आप अगर संसद में सवाल पूछ रहे हैं तो आपको निलंबित कर दिया जाएगा। इसी तरह से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय राउत के साथ हुआ था और इसी तरह से कांग्रेस के सांसद खासकर अधीर रंजन चौधरी के साथ भी हुआ है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं अपनी राय दीजिएगा। और ये लोकतंत्र के खिलाफ
है, ये जग जाहिर है। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, जी हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक से ही थमेगा मणिपुर का पूरा हिंसक प्रभाव, केंद्र सरकार का बड़ा दावा, मणिपुर में जारी हिंसा का जल्द समाधान निकाला जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ बोलते हुए कहा कि जल्द ही मणिपुर में शांति लौटेगी। इस बीच प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी नेशनल पीपल पार्टी के नेता रामेश्वर सिंह ने मणिपुर को लेकर अवैध प्रवासियों और उग्रवादियों की समस्या हमेशा के लिए हल करने के लिए अब सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत है, तभी जल्द से जल्द मणिपुर के हालात ठीक हो पाएंगे। गृहमंत्री के बयान ने स्पष्ट कर दिए हैं कि कुछ अवैध कुकी उग्रवादियों द्वारा लगातार मणिपुर में हिंसा भड़काई जा रही है। वैसे आपकी क्या राय है, क्या सर्जिकल स्ट्राइक के बाद मणिपुर के हालात संवेदनशील जो बने हैं वो ठीक हो जाएंगे या नहीं, अपनी राय दीजिएगा। एक और अपडेट, बड़ी खबर है ज्ञानवापी को लेकर, 17 अगस्त को होने वाली है अहम सुनवाई। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में बीते साल अधिवक्ता आयुक्त के कमिश्नर और NI सर्वे के दौरान हिंदू धर्म से संबंधित चिन्हों और प्रतीकों का संरक्षण किया गया था और नई याचिका भी शुक्रवार को खासतौर पर जिला अदालत में दायर की गई थी। और देखा जाए मामला न केवल जिला अदालत तक पहुंचा है बल्कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। और ज्ञानवापी को लेकर अगली सुनवाई 17 अगस्त को होने वाली। वहीं देखा जाए याचिका दायर करने वाली श्रृंगार गौरी वंदनी और राखी सिंह है और देखा जाए इसमें 17 अगस्त को सुनवाई आ सकता है। नए वाद के जरिए ये विवादित स्थान पर नमाज अदा करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। इन अनुरोधों को कम करने के लिए याचिका दायर की गई है क्योंकि ज्ञानवापी परिसर में खासतौर पर देखा जाए तो जुमा की नमाज के लिए अभी भी खासतौर पर देखा जाए तो ज्ञानवापी परिसर को खोला जा रहा था, इसीलिए इस याचिका को दायर किया गया है। वैसे आप सबकी क्या राय इसको लेकर, अपनी राय दीजिएगा। क्या जब तक ASI का सर्वे चल रहा है तो ऐसे में जुमे की नमाज पर भी ज्ञानवापी परिसर के अंदर किसी को दाखिल न होने दिया जाए, अपनी राय दीजिएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, दिल्ली सेवा अधिनियम पर अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक बार फिर कल शनिवार को संसद के हंगामे मानसून सत्र के दौरान पारित विधेयक राष्ट्रीय राजधानी यानी कि दिल्ली सरकार के संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद दिल्ली सेवा अधिनियम अब कानून बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली सेवा अधिनियम के अलावा 3 अन्य विधेयक, डिजिटल व्यक्तिगत संरक्षण विधेयक और जन्म और मृत्यु पंजीकरण विधेयक संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। अब इन कानूनों पर विपक्ष दलों ने विरोध जताया था लेकिन अब वहीं मंजूरी दे दी गई है। दूसरी तरफ देखा जाए अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं एक करारा झटका लगा है क्योंकि एक बार फिर केंद्र सरकार की बड़ी जीत हुई है। और देखा जाए यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यसभा में वोटों में दिल्ली सेवा विधेयक के पक्ष से सत्तारूढ़ गठबंधन को 131 सदस्यों का समर्थन मिला था। वहीं देखा जाए अगर विपक्ष की बात की जाए तो 102 सांसदों का ही समर्थन मिल पाया था। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा। एक और अपडेट निकल के आ रही, बृजभूषण के खिलाफ भी मुकदमा आगे बढ़ सकता है, पर्याप्त साबूत इकट्ठा कर रही है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को दिल्ली की अदालत में बताया कि महिला पहलवानों से जुड़े यवन उत्पीड़न के मामले में उनके पास भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि WFI के पूर्व और प्रमुख BJP सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ मुकदमा आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त साबूत हैं। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटिक्स मजिस्ट्रेट हरप्रीत सिंह जयसपाल को दिल्ली पुलिस से सूचित किया। बृजभूषण के खिलाफ सह आरोपी विनोद तोमर को कुश्ती संघ से निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ अस्पष्ट मामला दर्ज किया गया है। अब देखा जाए उनके सह आरोपी विनोद तोमर के आधार पर अब बृजभूषण की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और फिर से आगे कार्रवाई बढ़ सकती है। पुलिस के प्रतिनिधि लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने इस बात पर जोर दिया, आरोपियों पर आरोप पत्र के सूचीबद्ध आरोपों को अनुसार अब देखा जाए अदालत में खासतौर पर धारा 354 के तहत भारतीय दंड संहिता में एक मामला दर्ज किया गया जिसमें अब देखा जाए सबसे बड़ी बात है महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने और धारा 354A के यवन उत्पीड़न के मामले में ये तमाम बातें लिखी गई हैं। अब देखा जाए कि आगे क्या कुछ कार्रवाई बढ़ती है। वहीं देखा जाए जो पॉक्सो एक्ट था उसके भले ही हटा दिया गया हो लेकिन अभी बृजभूषण की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, जी हाँ, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बताते चले हैं कि दिल्ली की अदालत में गोली चलने से पूरी तरह से माहौल ख़राब हुआ और देखा जाए इसको लेकर देश भर में सुरक्षा पर अब सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की अदालत में गोलीबारी की घटना को हालिया घटनाओं के लिए चिंता बताई है। देश भर में प्रत्येक न्यायिक परिसर में स्थानीय अदालत सुरक्षा इकाइयों को लेकर USC की तैनाती करने का ऐलान कर दिया है और ये योजनाएं बनाई गई हैं। सर्वोच्च अदालत का कहना है कि ऐसी घटनाएं न हो केवल न्यायाधीश वरन वकीलों, अदालत के कर्मचारियों, वादियों और आम जनता की सुरक्षा सबसे बड़ी सुरक्षा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अदालत परिसर में सुरक्षा मजबूत करने के लिए कई
कड़े निर्देश दिए हैं। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आए दिन जिस तरह से लगातार हिंसा बढ़ रही है, तो ऐसे में न्यायालय तक भी हिंसा पहुंच रही है। अपनी राय इसको लेकर कमेंट के माध्यम से देना ना भूलेगा। एक और अपडेट निकल के आ रही, जी हाँ, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बताते चले हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के बिहार वाले नेता को लगा है करारा झटका, तेल चोरी के आरोप में किए गए हैं गिरफ्तार। हैदराबाद से सांसद ओवैसी की पार्टी AIMI के जिला अध्यक्ष रहमत अली बथाना को खास तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया और उनके आवास से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और उनके साथ तीन अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। रहमत अली गिरफ्तारी ट्रक से तेल चोरी करने के गिरोह में खास तौर पर गिरफ्तार किए गए। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा। क्या ये कहीं ना कहीं खास तौर पर ओवैसी की इमेज ख़राब करने के लिए साजिश रची गई है या फिर सचमुच जायज़ है, अपनी राय दीजिएगा। इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, मिलेंगे अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।